हाई एवरी वन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो एंड आई होप कि आप पढ़ाई ट्रैक पर वापस आ गई होगी धीरे धीरे। सो दिस वीडियो आई एम मेकिंग आउट ऑफ अ कंसर्न, क्योंकि एक ऐसी चीज मुझे बड़ा पिन कर रही है। बिकॉज आप लोग भी अग्री करोगे कि जब किसी इंसान का थोड़ा टाइम खराब चल रहा है या फिर कुछ वल्नरेबिलिटी चल रही है, तो हर कोई उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एंड लेटली जब से आप लोगों के रिजल्ट आए, सिलेक्शन तो बहुत चंद लोगों का होता है, बाकी जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसमें से भी ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो जो वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है, वो जो उनका लूप क्रिएट होता है, उसका बहुत सारी कंपनीज, कुछ इंडिविजुअल्स फायदा उठाने की कोशिश करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस लूप में, उस स्कैम में फंस रहे हैं। एंड आई थॉट एज बीइंग समवन हु ट्राइड टू मेक दिस कम्युनिटी, बिकॉज आई वांटेड टू हेल्प इंडिविजुअल्स, आई वांटेड टू हेल्प एंड मोटिवेट एंड गाइड देम प्रॉपरली, एंड एज यू से दैट माई एडवाइस इज वर्क फॉर यू। एंड आई नीड टू टेल यू दिस कि जिन लोगों का भी बहुत कम मार्जिन से सिलेक्शन रुका है, नहीं हो पाया इस बार, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप में और उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मे बी दिस वॉज नॉट योर टाइम, दिस वॉज नॉट योर, एंड हो सकता है कि शायद वो थोड़े ज्यादा लकी रहे या उनको ज्यादा जरूरत हो उसकी, और आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। कई बार मैंने ऐसा सुना है लोगों से कि उन लोगों का आरआरबी का क्लरिकल का प्री तक नहीं क्लियर हुआ एंड बाद में उन्होंने एसबीआई पीओ में फाइनल सिलेक्शन लिया है। सो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 2-3-4 साल मेहनत की, होप नहीं जोड़ी एंड फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ है। सो जस्ट डोंट लूज होप। और ये जो इस तरह से जब आप वल्नरेबल हो, आपका टाइम खराब चल रहा है, तो हर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है, एंड इसी चीज का फायदा बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं। एंड मी बीइंग समवन हु हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल आपको हेल्प कर देगी आपके सिलेक्शन में, कि आप से 1500 या 2000 रुपए ले लिया एंड आपको आधे घंटे किसी टॉपर से जिसने अभी सिलेक्शन लिया उनसे बात करवा दी, तो अगर आपको लगता है कि इस चीज से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक वो आपके लिए बबल क्रिएट कर रहे हैं। आपने जब से भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू किया होगा, आप 24/7 खुद के साथ हो, एंड करीबन 6 महीने या 1 साल तो आपको हो गया होगा, एंड उस 6 महीने और 1 साल में अगर आप 24/7 खुद के साथ रहे हो, आपने खुद को जाना है, वो जर्नी खुद जी है, और कोई एक इंडिविजुअल आकर जो क्लेम करें कि आपको आधे घंटे में वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसके बाद आपको सोल्यूशन दे देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक बबल क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग फंस रहे हैं और उनको नहीं फंसना चाहिए। बिकॉज आपकी ना, आपकी खुद की एक जर्नी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने पहली बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, तब मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्या क्या चीजें करनी है और किन चीजों से सिलेक्शन होगा। मैं एक एक पॉइंट पे प्लेटर पे रख के दे सकती हूँ कि हाँ ये चीजें कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रास्ता मैंने बताया, पर उस पाथ पर तो चलना आपको है ना। अब मैंने सिर्फ आपको रास्ता बताया, वहां का वेदर कैसा होगा, आप सर्दियों में जा रहे हो, गर्मी में जा रहे हो, रेन में जा रहे हो, आप कौन सा फुटवेयर पहनकर जा रहे हो, वो सब चीजें तो आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी ना। आप समझ रहे हो कि पाथ तो सबको पता है, लेकिन उस पाथ पर चलने का तरीका सबका डिफरेंट होगा। हर कोई अपने डिफरेंट माइंडसेट के साथ आता है, एक डिफरेंट आईक्यू लेवल के साथ आता है, डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड्स के साथ आता है। किसी का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, किसी कोई हिंदी मीडियम से आया है, उसका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, किसी को रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है, किसी को जीए पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो हर किसी के अपने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। मैंने आपको तरीके बताए, लेकिन अब आपको उस तरीके में आपका जो एक खुद का एक सॉल्ट, यू नो, एक खुद का एक टेस्ट डालना पड़ेगा, एक खुद का तड़का डालना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप उस सिलेक्शन को अचीव कर पाओगे। सो ये चीज कोई भी आपको 30 मिनट में नहीं बता सकता। आपकी जो जर्नी है ना, वो आपकी अपनी है, उसको आपको खुद ही डिकोड करना पड़ेगा, और ये जो स्पून फीडिंग की आदत है ना, वो हमें छोड़नी पड़ेगी। बिकॉज दीज आर नॉट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दीज आर गोइंग टू गेट यू अ जॉब। ठीक है, हो सकता है कि वो पूरी जिंदगी भर के लिए आपका कमाई का साधन रहेगा, तो ऐसे में आपको अपना माइंडसेट ग्रो करने की जरूरत है। और जब आप अपना माइंडसेट ग्रो करते हो ना, तो आप जो आधा कंपटीशन है ना, उससे आगे हो जाते हो, क्योंकि ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, किस माइंडसेट के साथ और किस स्ट्रैटेजी के साथ जो आप एग्जामिनेशन है ना उसमें उतर रहे हो। तो स्पून फीडिंग की आदत बिल्कुल छोड़ देनी है, अपना माइंडसेट हमें ग्रो करना है, और ये समझना है कि हमें खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को हम खुद जानते हैं। डेफिनेटली आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए मुझे लगता है न्यूमरस यूट्यूब चैनल्स हैं,
इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है अभी कुछ सालों में, जिस तरह से सोशल मीडिया, जिस तरह से यूट्यूब एंड कंज्यूमर बेस भी बढ़ा है, इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने जेन्युइन लोग हैं. जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी उस वक्त मैंने भी, मुझे इतना नॉलेज नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने डेफिनेटली 6 months के लिए एक पेड कोर्स लिया था और मैंने बहुत ओपनली उस चीज के बारे में बात की है. लेकिन उस क्या उसने मुझे सिलेक्शन दिखाया, उसने मुझे हेल्प जरूर की है. बहुत ऐसे टीचर्स मिल गए जिन्होंने बिल्कुल बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर कर दिए, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. लेकिन उनके फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं, जितना अच्छा कंटेंट वो वहां भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्यों पेड पर जाएं? अगर आपके पास फाइनेंसिस की कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बिंदास होकर खर्च कर सकते हैं, तो शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाइए पेड के लिए. लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते हैं और आपका पैसा जो है वो आपके माँ बाप का है, तो मुझे लगता है कि आपको उसे इस तरह से उड़ाने का कोई फर्क नहीं होना चाहिए. और दूसरा, अगर आप जॉब करते हो तो आप जो अर्न कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत हार्ड अर्न मनी है और उसकी रिस्पेक्ट आपको जरूर होनी चाहिए. तो बिना ऐसे ही फालतू में पैसे नहीं खर्च करने हैं, बिल्कुल करो. जो चीज ऐसी चीज है कि आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, आप डेफिनेटली उन चीजों पे खर्चा करो. लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें 30 मिनट में ना मैं तुम्हें ऐसा गुरु ज्ञान दे दूंगा कि तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा, क्योंकि मैंने वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, तो पहली बात तो अगर कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेता है वो देवता नहीं बन जाता है. उनकी भी अपनी जर्नी रही होगी जिसमें उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे. जब उनके भी मॉक में मार्क्स कम आते होंगे ना, तो उनको भी ऐसा लगता होगा कि यार कितना सेल्फ डाउट आ रहा है और शायद मुझसे एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा. हर किसी एस्पिरेंट की लाइफ में वो फेज आता है. एंड जस्ट बिकॉज कि हमारा अभी टाइम खराब चल रहा है, तो इसीलिए हमें किसी के लिए भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बनना है जो कि हमारा कोई फायदा उठा सके. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस एडवाइस की जरूरत है, आप कहीं एक ऐसी चीज पर फंसे हो, ऐसे पॉइंट पे फंसे हो जहां आपको लग रहा है कि ठीक है अगर कोई मुझे बता देगा ना इस पॉइंट से बाहर कैसे निकलना है, तो आपकी जो इनसिक्योरिटी है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, तो आप लोगों को जेन्युइन लोगों के पास जाना चाहिए जो कि ये चीजें फ्री में इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ये चीज आपकी हेल्प करेगी, तो आप मुझे बोलो. मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, एंड आई आस्क देम. ऐसे लोगों को बुलाएंगे यार जिन्होंने फोड़ा है, जिन्होंने 6-7 महीने में एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, जिन्होंने 2-3 साल मेहनत की, फेलियर्स देखे और उसके बाद एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया. कोई ऐसा है जिसने जॉब के साथ एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, कोई ऐसा है जिसने मैरिड होकर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, किसी ने बींग अ मदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया. ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने एक्चुअल में कुछ फोड़ा है और जिनके पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, जिनके पास हर चीज का सोल्यूशन है आप लोगों को देने के लिए. तो अगर ऐसा आप लोगों को लगेगा कि ये जरूरी है, तो हम लोग फ्री में सेशंस को कंडक्ट करेंगे. हर संडे कर सकते हैं या एवरी सेकेंड और फोर्थ संडे कर सकते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा. मैं पिछले करीबन 4 साल से फ्री मॉक इंटरव्यूज कर रही हूं, ठीक है, जिसमें कि जो पेड लोग इंटरव्यूज करते हैं ना, उनके जैसा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. 70-80% ऑफ जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट से, कई बार ऐसा होता है कि उनसे एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने उनसे मॉक में पूछे हैं. तो हम जो चीज फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेट एम तो यही था ना कि ऐसी कम्युनिटी बनानी है ताकि हम लोगों को हेल्प कर सके. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी पेड ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं एक ऐसी जॉब कर रही हूं जो मुझे वेल पे कर रही है, मेरा काम चल रहा है. अगर मैं वो जॉब नहीं कर रही होती और फिर यही मेरी रोजी रोटी है, इसी से मेरे को कमाना पड़ेगा, पैसा जरूरी है ऑब्वियसली, तो शायद मैं इस चीज को पेड भी करती. लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेड करने की जरूरत है. ना तो मैंने ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है, कोई टीम बनाई है, ऐसे एक दो लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, एंड उतना मैं अर्न कर रही हूँ कि मैं उन लोगों को भी दे सकूं एंड खुद भी अपना खर्चा चला सकूं. सो जब तक वो सिनेरियो नहीं आ रहा कि हाँ मुझे मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा है और आप मुझे कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, तो मुझे तब तक लगता है कि किसी की भी वल्नरेबिलिटी पर तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत गलत है. स्टूडेंट्स को मैं चाहती हूँ कि वो अवेयर हो इस चीज पे कि आप अपनी वीकनेस पर, अपनी वल्नरेबिलिटी पर, अपने बुरे वक्त में किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो. और ये चीजें तो बहुत ही मतलब वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा बिल्कुल. ऐसी जो चीज मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती या कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती, बिल्कुल टेस्ट्स खरीदो. मैं आपको कोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर सकती, किस क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर सकती, आप वो क्लासेस अगर चाहते हो तो वो खरीदो. मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको बेस्ट फ्री क्लासेस कहां से मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको पेड में जाना है तो वो मैं नहीं दे सकती, आप वो खरीद लो, ठीक है. मैं आपको बताऊंगी कि फ्री में आपको जो टेस्ट है वो कहां से देने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप पेड चाहते हो तो आप वो खरीदो. लेकिन जिस चीज का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि कोई जस्ट बिकॉज किसी ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया और वो आपको आकर बताएंगे कि हाँ तुम इसलिए नहीं कर पा रहे, तुम ऐसे कर लो, तो मुझे लगता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है. और पेड करना इस चीज को बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगता, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस दलदल में ना फंसो और इस गलत चीज में ना जाओ. इसीलिए आई एम देयर फॉर यू. अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको हेल्प कर सकती है तो बताना जरूर, मैं खुद स्टूडेंट्स को इन्वाइट करूंगी. मल्टीपल
एरिया से इनफैक्ट इन्वाइट करूंगी। अगर आपको लगता है कि SSC वगैरह में आपको जरूरत है तो वहां से अपने ऐसे जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प किया है, जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको बोलूंगी, उनको बुलाएंगे चैनल पर और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सकता है। वो लोग 30 मिनट कर रहे हैं ना, हम 1 घंटे करेंगे, लेकिन फ्री में करेंगे क्योंकि ये कम्युनिटी जो हमने बनाई है ये ट्रस्ट पर चलती है। और जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो इतनी खुशी होती है। और मैं आपके साथ ये फोटो शेयर कर रही हूँ, मेरी मम्मी, जो मैंने बताया ना कि मम्मी इतने सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, शी वॉज लिटरली क्राइंग। मेरे पापा के फ्रेंड्स उनको बधाइयां दे रहे थे कि आपकी बेटी की वजह से मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज एक्चुअली मैटर। आपका सिलेक्शन, आपकी खुशी, वो चीज मैटर करती है। मेरा मोटिव सिर्फ ये वीडियो बनाने का इतना सा था कि जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे एस्पिरेंट्स हैं, वो जो ऑलरेडी इतने स्ट्रगल के टाइम से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बस उनका कोई फायदा ना उठाए और वो किसी ऐसी चीज में ना फंसे जिससे कि उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइम वेस्ट ना हो। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर और अगर इससे कोई भी हेल्प होती है और कोई थोड़ी भी अवेयरनेस मैं स्प्रेड कर पाती हूँ तो आई होप कि इस वीडियो को बनाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है तो आप उन सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना जो गलत फेज में है, एक लूप में फंसे हुए हैं और उनका परेशानी वाला वक्त चल रहा है, उनके साथ जरूर करना ताकि वो भी किसी भी ट्रैप में ना फंसे, कोई भी उनका फायदा ना उठा सके। और अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप आगे कोशिश करना कि हर किसी को ये चीज जरूर समझाओ। दीज examinations आर ऑल अबाउट योर माइंड सेट और राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे अपना डे प्लान करना चाहिए, वो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एंड इस चैनल पर हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे ही आपके अपकमिंग examinations आएंगे। अभी बहुत जल्दी आपको एक मेंस रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, सो स्टे ट्यून्ड। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड अगर बैंकिंग में आना चाहते हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, सो आई एम करिश्मा, वर्किंग एज IPS PO इन वन ऑफ द PSBs। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट मिलता रहता है। जो आपने कंटेंट अभी तक नहीं देखा है, पीछे वीडियोस जाकर देखो, हर चीज के ऊपर हर क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आता है वो आपको मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, कमेंट करो, कमेंट में आपके सॉल्यूशंस देने की कोशिश करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया। एंड बस ध्यान रखो अपना, अवेयर रहो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून। चलो बाय बाय।